बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दारिन। तहरीके लबैक पाकिस्तान का इलेक्शन से पहले एक नया जो फड्डा है वो सामने आ चुका है, जो तहरीके लबैक पाकिस्तान के देरीना साथी थे, कारकुन थे, कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने अचानक से इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। उसकी वजूहत क्या है नाज़रीन, वो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन अलामा साद हुसैन रिजवी साहब को चाहिए कि वो इस हलके के पीपी 273 के हवाले से एक अहम तरीन कमेटी बनाएं और इस चीज की तहकीक करवाएं कि वो कौन लोग हैं जो यहां पर एक कैंडिडेट जिसने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, मंजूर भी हुए, उसके बाद उन्होंने उनका नाम भी ऐसे समझ लें कि सामने आ चुका था कि वो हिस्सा ले रहे हैं और दो हलकों से, लेकिन उन्होंने मुफ्ती अल्लाह बचाए साहब ने इनकार किया है। क्यों किया है, क्या लोगों ने मजबूर किया है कि वो तहरीक की जानब से अपने कागजात नामजदगी वापस लें और इलेक्शन में हिस्सा ना लें। ये अलामा साद हुसैन साहब, मजलिस शूरा और जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की दीगर बॉडीज हैं, यानी जो उस हल्के की बॉडी है, उसको चाहिए कि वो इस चीज की साफ शफाफ तहकीक करवाए और तहकीक के बाद जो रिपोर्ट वो पब्लिक भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तहकीकात भी हो जाए और पब्लिक भी ना हो और जो लोग इसमें मुलव्वस हों उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का ग्राफ तोड़ना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं। ये इतना अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।